हेलो गाइज, नमस्कार आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। गाइज आज बात करेंगे माई शॉप इनकम के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। गाइज आप सब देख सकते हैं मेरे दुकान का आगे का शोर, मैं दुकान भी लगा दिया हूँ यहाँ पर, और इधर भी पूरा टांगना पड़ता है, फिर इसको शाम को अंदर करना पड़ता है। यहाँ पे एक ग्राहक भी आ गया। आपको क्या चाहिए भाई? माचिस। भाई माचिस लेने आए, तो चलिए इनको फुल पावर के साथ माचिस देते हैं, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बड़े हरामी हो बेटा। गाइज आप सब समझ सकते हैं छोटे से दुकान से कितना कमा लेते हैं। बस एक छोटे से दुकान से मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा खर्चा और मेरे परिवार का खर्चा मीडियम खर्चा चलता है, कोई हाई फाई खर्चा नहीं करता हूँ, तब चल जाता है। 300-250 रुपये डेली इनकम है इस दुकान से, छोटे से दुकान से। किराने में 10% से ज़्यादा नफ़ा है नहीं, और गुटके में तो 1-2% नफ़ा मिल जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो 300-250 रुपये आज के ज़माने में क्या है, एक आदमी का पर खर्चा 50 रुपया कम से कम है। मेरे स्कूटी का खर्चा 50 रुपया निकल जाता है, महीने का 1200 रुपया गैस का जाता है, 1200 रुपया बिजली का बिल जाता है, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। सिटी का बिजली का बिल महंगा रहता है, और प्लस में दादी बाबा का दवा और घर का खाना पीना चाय पानी, तो काफ़ी खर्चा। इसलिए मैं बहुत ही मीडियम में चलता हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाता हूँ, सालों साल बीत जाता है, कभी कभी एक कपड़ा ले लेता हूँ बस। और आज तक 2 साल दुकान करते हो गया मुझे, इस दुकान से मैं भी कुछ भी एक भी चीज़ नहीं खरीद पाया हूँ कि मैं किसी को दिखा सकूँ कि मैं 2 साल काम करते हो गए और कुछ खरीद पाया हूँ। बस एक छोटा सा मोबाइल खरीदा हूँ, वो भी फाइनेंस पे, 1+ है, जो फाइनेंस पे लिया हूँ, आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, पर आज मैं बता रहा हूँ। इसका किस्त कटता है 2000 रुपये महीने, इसी दुकान से जाता है, और अगर डायरेक्ट लेना होता तो मेरा दुकान का भर्ती ही गायब हो जाता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसीलिए कहता हूँ कि किराने का दुकान में कुछ नहीं है, लाना कभी मत कीजिएगा, मेरा यही कहना है। और अगर करना भी है तो 5-10 लाख रुपया भर्ती लगाना पड़ेगा, मेरे पास मात्र 50-60 हज़ार रुपये का भर्ती है, इसलिए मैं बहुत ही कम पैसा कमा पाता हूँ। अगर 5-10 लाख रुपया भी इसी में लगा दिया जाए तो डेली का बचत 1,500-2,000 हो जाएगा। तो जिस तरह लगाओगे उस तरह कमाओगे, तो मैं दुकान से बस इतना ही कमाता हूँ। सपने तो सबके होते हैं मैं बुलेट गाड़ी से चलूँ, पर अभी मैं बुलेट गाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं 2 साल हो गया मैं कहीं घूमने भी नहीं गया हूँ, इसी दुकान पर दिन रात सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर ही रहता हूँ, 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आप लोग समझ सकते हैं 17 घंटा ड्यूटी देता हूँ, 250-300 रुपया बचता है तब जाकर, और अगर एक मजदूर 8 घंटा ड्यूटी कर ले तो 400-500 रुपया उसका बच जाता है। लेकिन क्या किया जाए, जो कभी मेहनत नहीं किया है वो मेहनत नहीं कर पाएगा। मैं मेहनत का काम नहीं किया हूँ, मैं बीए थर्ड ईयर पास करके फिर इस दुकान पर बैठने लगा हूँ। गजब बेइज्जती है। इस महंगाई के जमाने में कमाना है, खाना है, रह जाना है, कुछ नहीं कर पाना है, इसीलिए मैं इस यूट्यूब को भी चलाने लगा। तो इस यूट्यूब पर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे लिए यूट्यूब ही सब कुछ है, मैं यूट्यूब का सपना बहुत ही बड़ा देखता हूँ। मज़ा आया। मेरा यूट्यूब चल गया तो मैं बहुत ही कुछ कर ले जाऊँगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तो आप लोगों को आज का वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।